दिनों दिन बढ़ती गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। अप्रैल के महीने में ही गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा है। ऐसे में अस्पतालों में मौसमी बीमारियों के मरीज बढ़ने लगे हैं। अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे ऐसे कुछ लोगों से बातचीत की एनडीटीवी संवाददाता जफर मुल्तानी ने, और डॉक्टर से भी जाना गर्मी से बचाव के उपाय। आइए देखते हैं रिपोर्ट। अप्रैल महीने का तीसरा सप्ताह समाप्त होने को है और गर्मी में जो टेम्परेचर है वो 36 डिग्री तक पहुंच गया। आने वाले दिनों में ये टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। हम मौजूद है आगर मालवा के जिला चिकित्सालय में। आप देख सकते हैं लंबी लंबी जो कतारें हैं, काफ़ी सारी भीड़ जो रही है मरीजों की है। आमतौर पर जो मरीज है उससे काफ़ी ज़्यादा संख्या में मरीज यहाँ पर गर्मी की वजह से बढ़ने लगे। दादा आपका नाम क्या है? बालमुकुल शर्मा। बालमुकुल जी, आपको क्या समस्या हो रही है गर्मी की वजह से? थोड़ा बुखार आ रही है, बुखार 4-5 दिन से। हाँ, और घबराहट वगैरह? और घबराहट होती है। अच्छा, तो बुजुर्गों में आप देख सकते हैं गर्मी की वजह से जो घबराहट बुखार इस तरह की समस्याएं देखी जा रही है। आपका नाम बताओ। आपको क्या समस्या है, क्या बीमारी के लिए आए? ये सर्दी जुकाम जा ही नहीं रही। सर्दी जुकाम, जो मौसम बार बार बदल रहा है उसकी वजह से सर्दी जुकाम के मामले भी सामने आ रहे हैं। सर आप बताइए कि किस तरह का अभी पेशेंट लोड है अभी यहाँ पर? अभी तो सभी विधाओं के पेशेंट्स हैं, जिला अस्पताल आगर में इलाज के लिए उपस्थित हो रहे हैं। चाहे आपका नाक कान गला विभाग हो, चाहे मेडिसिन विभाग हो, चाहे आपका नेत्र विभाग हो, हड्डी रोग विभाग हो, सभी प्रकार के पेशेंट्स आ रहे हैं। और गर्मी के मौसम में विशेष जो सर्दी जुकाम के वायरल के थोड़े बहुत पेशेंट्स बढ़े हैं। इसके अलावा आपका जो सलाह है कि शुद्ध जल का ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को इस्तेमाल करना चाहिए। गर्मी के मौसम के अंदर जब आंत्रशोथ और पेट की खराबी के केसेस बढ़ते हैं, और ख़ास तौर से जितने भी मार्केट में मिलने वाले फल फ्रूट्स हैं और खाद्य सामग्री है उसका विशेष ध्यान रखकर सेवन करना चाहिए। अन्यथा किसी से भी अगर पेशेंट को संक्रमण होता है तो दस्त उल्टी लगने की प्रबल संभावना रहती है। गर्मी के मौसम में इन्फेक्शन प्रचुरता से बढ़ता है। हमारे यहाँ थोड़े बहुत केसेस की संख्या अभी दस्त उल्टी के और पेट दर्द के और सर्दी जुकाम के बढ़े हैं, बाकी स्थिति अभी पूर्ण रूप से सामान्य रूप से जो 300-400 ओपीडी यहाँ पर होती है अभी 600-700 पहुँच गई है। तो क्या मौसम का बदलाव की वजह से देखने में आ रहा है? मौसम परिवर्तन के साथ में आ रहे हैं, वो अपने आप कंट्रोल में है, स्थिति ठीक है। धूप में निकलते हो, क्योंकि पहले ही आपको बताया कि ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, पानी अधिक से अधिक मात्रा में पिएं और अपने आप को कपड़ों से कवर होकर चलें, और छतरी का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हम अपने आप को हीट स्ट्रोक से बचा सकें। तो हीट स्ट्रोक के मामले अभी हालांकि देखने में आगर जिले में नहीं आए, लेकिन इसके बावजूद भी जो स्वास्थ्य विभाग है वो अपनी एडवाइजरी जारी कर रहा है और बार बार अपील कर रहा है लोगों से कि धूप में जब वो निकले तो वो प्रिकॉशंस ले, अपने चेहरे को ढके और तरल पदार्थों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करे। आगर मालवा से जफर मुल्तानी, NDTV।